ओके स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल स्टार्ट करते हैं आई मैट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ दिखाई दे रहा है जहाँ कहा जा रहा है के इज़ नेगेटिव इंटीजर सच दैट के प्लस के की पावर माइनस वन इक्वल्स टू टू देन वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ़ के स्क्वायर प्लस फोर के माइनस टू अपॉन के स्क्वायर प्लस के माइनस फाइव ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है मे बी क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा इसको मैंने जूम इन कर दिया है आई होप इट इज़ नाउ तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कैसे करेंगे देखिए यहां पर आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो है के प्लस के टू तो दी पावर माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू जिसे आप लिख सकते हैं के प्लस वन बाई के इक्वल्स टू माइनस टू ठीक है बेटा अब ट्रिक के हिसाब से करना है तो आप क्या करना चाहेंगे तो ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले आप के की उस वैल्यू को सेलेक्ट करिए जो सेटिस्फाई करे इस स्ट्रक्चर को सो लेट अस सपोज यदि मैं के इक्वल टू माइनस वन लेता हूँ तो चेक करता हूँ कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है सो फर्स्ट माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू देखता हूँ क्या होता है इक्वल टू माइनस टू होना चाहिए सो so ये माइनस वन माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू तो यस यहाँ पे के जो है माइनस वन मेरे स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है बेटा इज इट क्लियर ओके तो देखिए यहाँ पे हम पुट करते हैं हमारे पास जो मेन स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो है के स्क्वायर प्लस फोर के माइनस टू डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस के माइनस का फाइव ओके चलिए तो के की वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर इन माइनस वन माइनस टू इधर पे डिवाइड बाई आएगा कि माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस फाइव तो माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन ही हो जाएगा फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर और माइनस टू यहाँ पर कितना जाएगा और यहाँ माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन अगेन यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे माइनस फाइव तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे फोर माइनस टू कितने हो गए माइनस सिक्स और माइनस सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन माइनस फाइव कैंसिल हो गया वन टाइम सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर इट इज़ बी वन आया समझ में बच्चों क्लियर है बेटा ओके डन नोट करिए ओके बच्चों ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व और एक्स वाई इक्वल्स टू फाइव और क्वेश्चन में आपको सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू एट निकालना है तो ये बहुत ही सरल सवाल मुझे नज़र आ रहा है ठीक है बेटा क्या करना है होल स्क्वायर सीधे कर दीजिए आपका काम बन जाएगा ठीक है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन है फोर एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व दे रखा है चलिए तो यदि मैं दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देता हूँ फोर एक्स माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर सो at the right side it will be 12 square now performing the whole square we will get a square uh, plus b square and minus 2ab so minus 2 in the place of a there is 4x in the place of b there is 3y equals to 144 now 4x equals to 16x square plus 9y square 2 4s are 8 8 3s are 24 xy minus 24xy equals to 144 16 x square plus 9 y square equals to 144 minus 24 x y, but minus sign here it will be x clear. Tk now place the value 16 x square plus 9 y square equals to 144 plus 24 times of the value of xy is here 5 is it is given okay beta so 16 x square plus 9 y square equals to 144 plus 120 clear beta hmm. so 16 x square plus 9 y square equals to uh, 4 2 plus 4 6 and 1 and 1 टू सिक्सटी फोर अब बेटा देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहा है आपको अपॉन एट चाहिए है सो फाइनल आंसर सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एट सो वी हैव टू सिक्सटी फोर डिवाइड बाई एट लेटस्ट परफॉर्म द डिवीज़न टू सिक्सटी फोर डिवाइड बाई एट एट थ्री इज़र ट्वेंटी फोर क्लियर हियर इट विल बी टू एंड फोर एट थ्री इज़र ट्वेंटी फोर सो करेक्ट आंसर इज थर्टी थ्री ऑप्शन नंबर ए डन समझ में आया बेटा मेक इट द आंसर चलिए देखिए बच्चों एल का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कैसे सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर क्या दी गई है ए प्लस वन बाई ए प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन दिया गया है वेयर ए इज आ नॉन जीरो रियल नंबर मतलब ए जो है कोई नॉन जीरो रियल नंबर है तो इसको करने के लिए सबसे पहले मेरे मन में जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि मैं इधर से a प्लस वन बाई ए प्लस थ्री अगर मैं सिक्सटीन का रूट ले लूँ तो यदि मैं सिक्सटीन का रूट ले लेता हूँ तो a प्लस वन बाई ए प्लस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस फोर अब प्लस माइनस फोर इसलिए बोला है क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर बोला है और रियल नंबर में भी पॉजिटिव रियल नंबर में भी निगेटिव तो दोनों आंसर हो सकते हैं है ना तो ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा प्लस माइनस फोर और थ्री यहाँ जाएगा तो माइनस थ्री अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन पॉसिबल हैं ए प्लस वन बाई ए के क्या क्या हो सकता है बेटा एक इसकी वैल्यू हो सकती है प्लस फोर लेने पर फोर माइनस थ्री आ जाएगी दैट इज इक्वल टू वन और एक वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस फोर माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस सेवन तो यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल हैं, ए प्लस वन बाई ए की क्लियर हम एक एक वैल्यू लेके ऑप्शन निकालते हैं देखते हैं फर्स्ट हमारे पास ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू यदि मैं वन सपोज करता हूँ सो लेट अस कंसीडर ए प्लस वन बाई ए इक्वल्स टू वन ओके अब हम यदि देखो स्क्वायर कर देते हैं तो मेरे को ये बनाना है एक्चुअली तो मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा तो a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर वन ही होगा इसको तोड़ दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन बाई ए इक्वल्स टू वन ए से ए कैंसिल सो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस वन ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर देखिए ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है क्यों क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है और दो परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है किसी भी हालत में क्योंकि दो स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे तो उनका सम भी क्या होगा पॉजिटिव होगा क्लियर है कि नहीं है हाँ तो दो स्क्वायर नंबर हैं इनका सम भी क्या होगा पॉजिटिव होगा क्लियर हुआ बेटा चलिए अगली बात करते हैं ये तो नहीं हो सकता है फिर अगला ले, ले लेते हैं हम ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू माइनस सेवन सो ए प्लस वन बाई ए इक्वल्स टू यदि माइनस सेवन लेके देखता हूँ यदि मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना आ जाएगा बेटा ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सेवन का स्क्वायर संस्कृति माइनस सेवन का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी नाइन होता है सो हियर इट विल बी फोर्टी नाइन नाउ ओपन इट ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर एक सेकेंड बेटा कुछ ठीक है ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू इन टू ए इंट वन बाई एक्वल टू फोर्टी ए से वन बाई ए कैंसिल हो जाएगा सो ए स्क्त बाईर माइनस टू टू फोर्टी नाइन माइनस टू क्लियर है सो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्टी सेवन डन तो ए स्क्वायर प्लस टू फोर्टी हो जाएगा यही आपसे पूछा गया है और यही आपका आंसर है क्या बेटा तो तो हाँ, बेटा गलत लगा रही हो आप आइडेंटिटी गलत लगा रहे हो कभी भी बेटा जो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है सो so ये इस तरीके से ओपन होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए तो इस तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है बेटा अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो बट ये मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या बेटा हाँ तो ये ज्यादा इजी है है ना ठीक है बच्चों इसको नोट कर लीजिए ओके okay, दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आपके सामने दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर माइनस टू इक्वल्स टू फोर्टीन सो so, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रीराइट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस टू इक्वल्स टू फोर्टीन हो हो वन फोर तो अब ऐसा तो कोई हमारे पास नंबर है नहीं कि जिसका स्क्वायर हमको फोर्टीन मिल जाए तो हम इसको सिंप्लीफाई ही करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि एक्स की पावर माइनस टू इक्वल्स टू होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्टीन अब मैं एक अटैम्प्ट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एड करता हूँ तो यहाँ भी मुझे फोर्टीन प्लस टू एड करना पड़ेगा और टू एड करना और टू ए बी यानी एक्स इंटू वन बाई एक्स तो इक्विवेलेंटली ये वन ही है तो टू वन जे टू ही होगा तो यहाँ भी टू वन जे टू समझ में आ गया इसलिए वो टू ही दिखेगा बच्चों ठीक है ना एक्स इंटू वन बाई एक्स इसमें क्योंकि वन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्सटीन क्लियर की नॉट क्लियर so, सो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन आ चुका है अब हम सॉल्व करते हैं टू क्यों किया टू इधर भी ऐड किया टू इधर भी ऐड किया ना बच्चों ओहो हो हो हम जो लेफ़्ट में कर रहे हैं वही हम राइट right में कर रहे हैं जिससे कि हमारी स्ट्रक्चर बन जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की फोरटीन प्लस टू सिक्सटीन हो गया और ये वाला तो फार्मूले में डिजोल्व हो गया डिजोल्व हो गया ना फार्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ठीक है तो देखिए अब एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिक्सटीन यानी कि प्लस माइनस फोर सो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर तो दो ऑप्शन हैं यहाँ पे प्लस और माइनस बट आंसर में कहीं भी ऑप्शन में माइनस नहीं आ रहा है तो मैं पहले प्लस फोर ले के करता हूँ क्लियर बेटा अब मुझे क्या चाहिए एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस का क्यूब तो मैं इसका होल क्यूब कर देता हूँ तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू फोर है मैं दोनों तरफ क्यूब चढ़ा देता हूँ तो यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब अब ए प्लस बी के होल क्यूब से इसको ओपन करता हूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू फोर का क्यूब कितना दिया है सिक्सटी फोर हमें ये वैल्यू चाहिए है तो इसको हम रोक लेते हैं बाकी सबको उधर भेज देते हैं सो एक्स क्यूब प्लस एक सेकेंड वन बाई एक्स क्यूब क्लियर प्लस थ्री ए बी तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे थ्री बचेगा और एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू फोर दे ही हुई है इक्वल टू सिक्सटी फोर थ्री फोर जा कितना हो जाएगा ट्वेल्व उसको सब ट्रैक कर देंगे सो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू सिक्सटी फोर माइनस का ट्वेल्व आंसर इस चौदह में से दो चार में से दो गए दो और सिक्स में फिफ्टी टू करेक्ट आंसर एस फिफ्टी टू टन बेटा ओके 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 नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम